हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक हैं, जो 12th क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक, लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे कि 11th में हमने कुछ रेडीमेड फंक्शंस को पढ़ा हुआ है, तो उन रेडीमेड फंक्शंस को एक बार यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे 1.1 और 2 के मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन में जहां भी हमारे वो रेडीमेड फंक्शन यूज होंगे, तो वहां पर हम इजीली समझ पाएंगे कि आखिरकार हमारा कौन सा रेडीमेड फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है। और इसी जो हमारे रेडीमेड फंक्शन होंगे ना, यही फंक्शन हमारे क्वांटिटी में भी जाके यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं ये जो रेडीमेड फंक्शंस हैं उनको यहाँ पर एक बार आपको कवर कर देता हूँ, जिससे कि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शन, और फंक्शन में भी हम कवर करेंगे रेडीमेड फंक्शन जो कि हमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, रेडीमेड फंक्शन, अच्छा नेम से ही हमको पता चल रहा है, इसके नेम से हमको पता चल रहा है रेडीमेड फंक्शंस का मतलब है कि ऑलरेडी बने हुए फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हमारे पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो हम लेके चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का होता है, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है बच्चों वो रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक डिफाइन होता है, मतलब इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, और कोडोमेन भी हम इसका रियल नंबर ही लेके चल रहे हैं। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट। तो ये मैं कॉन्स्टेंट को सी से यहां पर दिखा रहा हूं, वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो आर टू आर डिफाइन होता है और एफ एक्स इक्वल टू सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल आपको मैं यहां पर दिखाता हूं कि यह है किस टाइप का। जैसे आपने यहां पर लिखा, इफ अ फंक्शन एफ, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर such that fx is equal to 5। यहां पर जो कॉन्स्टेंट है उस कॉन्स्टेंट के प्लेस पर, जैसे यहां पर कॉन्स्टेंट c है, मैंने इस कॉन्स्टेंट के प्लेस पर कितना ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा इस टाइप का फंक्शन वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ देख लीजिए बच्चों। तो देखो बेटा, ये जो fx होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना, आपने 10th में सीखा भी होगा कि एफ एक्स को हम लोग y मान के चलते हैं। एफ एक्स को क्या मान के चलते हैं, y, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाना है आपको, जैसे आप 10th क्लास में 9th क्लास में बनाते थे उसी टाइप से यहां पर ग्राफ बनाना है। ये सपोज x है, ये आपका y है, y का मतलब एफ एक्स, तो x की वैल्यू लगाएंगे और y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू, अब यहां देखो, अगर x की वैल्यू यहां पर 0 लगा रहे हो, x की जगह पर 0 लगाओगे तो बेटा बताओ यहां पर जो y की वैल्यू आएगी, मतलब एफ एक्स की वैल्यू आएगी, वो कितना आएगी। अगर यहां पुट कर रहे हो, पुट x इज इक्वल टू 0, यहां x के प्लेस पर 0 लगा रहे हो, f 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब f 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसे मैं y बोल रहा हूं है वो f 0। x के प्लेस पर 0 लगाने पर ये बताना है आपको कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। मेरा मतलब समझिए कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर आप एक्स प्लस 1 लिख रहे हो, राइट। अब मैं x के प्लेस पर अगर 0 लगा रहा हूं तो आप यहां भी x जहां आ रहा है वहां पर 0 लगा दोगे और ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो f0 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, f0 कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही मैं यहां पूछ रहा हूं कि x की पे 0 लगाने पर बताइए कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो सिंपल सी बात है कितनी आएगी आपकी, 5 ही आएगी, क्योंकि x है ही नहीं, x होता तो वहां पर x के प्लेस पर 0 लगाते, तो x नहीं है तो आपके पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 5 आया है ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू बेटा, y की। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर y कितना आया, 5।
अब वन लगाओ, एक्स इज इक्वल टू वन, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन यहां लगाएंगे तो ये एफ वन, एफ वन भी कितना होगा फाइव भी होगा, एफ वन भी कितना होगा फाइव। अब टू लगाओ, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, तो जब टू लगाओगे यहां पर तो एफ टू ये भी कितना होगा आपके पास बेटा फाइव ही होगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि आप एक्स की चाहे जो वैल्यू लगा लेना, लेकिन आपके पास जो एफ एक्स मिलेगा वो फाइव ही मिलेगा। फाइव है तो फाइव मिल रहा है, कोई और कांस्टेंट होता तो वो कांस्टेंट मिल रहा होता, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं माइनस में कोई वैल्यू लगाऊंगा माइनस वन तब भी फाइव मिलेगा, माइनस टू लगाऊंगा तब भी मुझे कितना मिलने वाला है फाइव ही मिलने वाला है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए जैसे ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया बेटा, यहां माइनस थ्री और ये फाइव लगा दिया। अब मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा, इस वाले एग्जांपल का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो ग्राफ कैसा आएगा आप उसको भी देख लीजिए। देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बेटा हमारा बेसिक, जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बेसिक स्ट्रांग होना आपका कंपलसरी है। जब हम एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की करेंगे तो वहां पर रेडीमेड फंक्शंस भी हमारे आते हैं, ठीक है। तो वो आपके समझ में अच्छे से आ जाने चाहिए, और ग्राफ भी उनके जो रेडीमेड फंक्शंस हैं उनके ग्राफ भी आपको आने चाहिए, जिससे कि समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो देखो बच्चों ये मान लिया वन है कहीं, ये सपोज टू है, ये थ्री है ना, और यहां पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और ये कितना है माइनस फाइव। इधर देखोगे तो वन टू थ्री फोर एंड यहां पर भी फाइव है ना, ये माइनस में वन माइनस में टू माइनस में थ्री एंड सो ऑन। अब बेटा देखो आप यहां ये y = मैंने बताया था, y = क्या होता है हमारा एफ एक्स होता है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आती है ना एफ जीरो, एफ जीरो इज इक्वल टू फाइव, इसका मतलब y = फाइव है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। तो बेटा ये पॉइंट हो गया 0.5, x पर 0, y पर कितना 5, ऐसे ये पॉइंट कितना हो गया 1.5, x पर 1, y पर 5, और ये कितना हो जाएगा 2.5, x पर 2, y पर 5। ऐसे यहां पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा -1, -1.5, x पर -1, y पर 5, ये कितना होगा बेटा -2.5, और ये कितना होगा -3.5, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप इस पर कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करिए। तो यहां 0.5 है, ये पॉइंट कितना है 0.5, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई पर 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1.5, 1.5 को रिप्रेजेंट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई पर कितना बेटा 5, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई पर 5, समझ रहे ना, जैसे हमने 10th क्लास में किया होगा है ना, 9th में भी किया होगा, ऐसे ही 2 पर भी 5 है, तो एक्स पर 2, वाई पर x इज इक्वल टू 2, देखो ये आ गया, और y पर कितना जाना है आपको 5 जाना है ना। ऐसे 3 पर 5 देगा, माइनस 1 पे भी ये 5 देगा, और माइनस 2 पे भी ये कितना देगा 5 देगा, माइनस 2 पे भी 5 देगा। तो आप क्या करोगे, ये पूरा आपके पास देख रहे होंगे, ये इसका ग्राफ आ गया, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 5 का ग्राफ आ गया है ना। आप इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं y is equal to 5, fx को क्योंकि y मान लेते हैं तो y is equal to 5, तो जब y is equal to 5 दिख रहा है तो मतलब क्या दिख रहा है, ये एक लाइन है वैसे देखा जाए तो, है ना, और ये लाइन ही बन के आई है, और ये डायरेक्टली आपने याद भी की होगी 10th क्लास में है ना, y is equal to c या y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to c, ये हमारी लाइन जो होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, और यहां से आप देख भी पा रहे हो कि y is equal to 5 लिखा हुआ है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन हो गई है कि नहीं बच्चों, y is equal to 5 जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो गई। तो यहां जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो बेटा इस टाइप का ही होता है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर जैसे मैंने ये एग्जांपल में आपको दिखाया था इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो आपको ग्राफ ये मैंने बना के दिखा दिया, तो ये सी है ना, ये सी ऐसा ही कोई कॉन्स्टेंट है, सी यहां पर जो मैंने 5 लिख रखा है ना, ऐसा ही 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, कोई भी ये कांस्टेंट सी हो सकता है, और उसका ग्राफ आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। वो जरूरी नहीं कि यहीं से जाए, नीचे से भी जा सकता है, अगर ये आपका नेगेटिव है जैसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस 5 होता तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ग्राफ जा रहा होता, मतलब यहां से जा रहा होता। तो जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो बेटा इस टाइप से उसका ग्राफ बनेगा,
और उसका नेचर इस टाइप का होता है जो मैंने आपको अभी बोर्ड पर बताया हुआ है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये रेडीमेड फंक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सेकेंड है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये समझिए। यहां पर कोई फंक्शन है एफ, ये आर टू आर डिफाइन होता है सच दैट fx is equal to x। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब इसको आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, i से भी इसको डिनोट कर सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन को i से भी डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब समझिए, ये आखिर है क्या। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूं तो अच्छे से समझ पाओगे। देखो यहां पर मैं इस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये फंक्शन हमें दिखेगा कैसा और एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। 0, 1, 2, -1, -2, -3। अब देखो बच्चों, यहां जैसे आप लोग 0 पुट कर रहे हो, पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, तो जब x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा i 0। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x के प्लेस पर यहां 0 पुट कर रहे हो, अच्छा आप इसे i लिख सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन है तो i लिख रहा हूं, आप इसे f 0 भी लिख सकते हो, है ना, मतलब यहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, तो चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। तो यहां पर जब आप 0 पुट करते हो तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हम यहां दे रहे हैं ये वहीं जाके मैप कर देता है। जैसे आप x इक्वल टू 0 दे रहे हो तो ये 0 पे जाके क्या करेगा, मैप कर देगा। तो यहां पर बेटा अगर मैंने x इक्वल टू 0 दिया तो ये 0 पे जाके मैप करेगा, मतलब ये जैसा है जो यहां लिख रहे हो वही आपको यहां पर लिखना है। अगर आपने यहां पर, जैसे आपने यहां पर 1 दिया, ठीक है, तो f 1 लिख सकते हैं या फिर i 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 पे जाके मैप हो जाएगा। अगर आपने यहां पर 2 दिया तो यहां पर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 पे जाके मैप हो जाएगा। अगर आपने यहां पर 3 दिया तो 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 पे जाके मैप हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में कोई वैल्यू देते हो आप लोग, जैसे आपने -1 दिया तो -1 पे मैप हो जाएगा, -2 दिया तो ये -2 पे जाके मैप हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर 0 देने पर ये 0 पे मैप हो रहा है, 1 देने पर 1 पे मैप हो रहा है, 2 देने पर 2 पे मैप हो रहा है, बेटा 3 देने पर 3 पे मैप हो रहा है, 3 मैंने लिखा नहीं है, -1 देने पर -1 पर मैप होगा, -2 देने पर -2 पर मैप होगा, -3 देने पर -3 पर मैप होगा। तो इस टाइप से ये फंक्शन अपना रोल प्ले करता है कि जो वैल्यू हम इसको देंगे ये वहीं जाके मैप हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन की ये खासियत होती है। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ किस टाइप से आएगा वो भी आप एक बार देख लीजिए बेटा, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये जितना भी मैं बता रहा हूं ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इसका कहीं भी यूज आ सकता है। देखिए, x डैश y डैश, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। बेटा यहां पर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो देखिए, यहां मुझे दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0, तो 0, 0 तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। फिर है x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 1, है ना, ये ऐसे तो लिखोगे आप इसे 1, 1, इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1, 1, x पर भी 1 है और y पर भी 1 है, तो 1, 1 ही तो लिखोगे। तो यहां पर बेटा मैंने 1, 1 लिख लिया, तो 1, 1 पॉइंट कहां है, देखो x पर 1 और y पर भी 1, फिर x पर 2 तो y पे भी 2, x पे भी 2, y पे भी 2, x पर 3 तो y पे भी 3, हालांकि मैंने यहां पर देखो लिखा हुआ है
एक्स पर थ्री तो वाई पे भी थ्री, वहां पर मैंने कॉलम नहीं बनाया है, और ये x इज इक्वल टू माइनस वन तो वाई पे भी माइनस वन, x पर माइनस वन तो वाई पे भी माइनस वन, देखो x पर माइनस वन वाई माइनस वन ये रहा, x पर माइनस टू तो वाई पे भी माइनस टू, आप इसको क्या करोगे ड्रॉ कर लोगे, इसको क्या करोगे ड्रॉ कर लोगे, तो ये आपके पास एक लाइन बन के आ जाएगी बेटा, ये दिख रही होगी, ये क्या बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन आपको बनती हुई दिख रही है, और यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा इसको आपने क्या माना था y, है ना, तो ये y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू x भी आप इसे कह सकते हैं, मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, यहां आप देख रहे हैं ना y और x दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो x वन है तो y भी वन है, x टू है तो y भी टू है, x जीरो है तो y भी जीरो है, तो आप इसे y इज इक्वल टू x, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है समझ में आ गया, तो जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा वो इस टाइप से आपका रोल प्ले करेगा, ये इसका ग्राफ होगा, ये टेबल होगी बेटा, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका डोमेन, और ये क्या है इसका कोडोमेन है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन को आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस फंक्शन, देखिए बेटा मॉड्यूलस फंक्शन किस टाइप से होगा, ये हमारा सेकेंड था आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन को देख लो, थर्ड है मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो किस टाइप का होगा, यहां पर मॉड्यूलस फंक्शन भी हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है, और इसको कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये मॉड का साइन है, इस टाइप से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, और इसकी दो ब्रांचेज भी बनाई जाती है, इस मॉड्यूलस फंक्शन की ब्रांचेज भी बनाते हैं, कैसे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जो मॉड के अंदर वैल्यू है ना उसे जीरो की को लगाओ, मॉड के अंदर बस एक्स है तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, जो मॉड के अंदर वैल्यू दे रखी है उसे जीरो की को लगा के एक्स की वैल्यू निकाली जाती है, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास जीरो आ गया, ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। अब एक्स इक्वल टू जीरो जब आ गया तो इसकी दो ब्रांचेज आप बनाते हो, एक एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, और जहां पर ग्रेटर लगा रहे हो वहां पर इक्वल भी लगाना है, और एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, जो क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है ना आपको उस क्रिटिकल पॉइंट को यहां पर लिखा जाता है, ठीक है वो क्रिटिकल पॉइंट लिखा जाता है, तो जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पर आपके पास y इज इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स आता है, और जब एक्स लेस देन जीरो है तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है ना, तो ये इसका प्रोसीजर था मॉड्यूलस फंक्शन का, ये आपको लर्न होगा है ना, एक बार मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू इसका बता दिया। अब बच्चों इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ मस्ट है, ग्राफ आपको आना चाहिए जिससे कि आप वन वन और टू को अच्छे से क्लियर कर सके, है ना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, देखिए भाई जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, देखिए बेटा मैं यहां एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दे रखा है, इस ब्रांच में बाद में बात करेंगे, ये ब्रांच कैसे बनती है, ब्रांच मैंने बना के बता दिए, बट आप काम यहीं से कर लोगे, यहीं से पूरा काम हो जाएगा हमारा ग्राफ का, ये जो इतना पार्ट है ना ये वाला पार्ट, यहीं से पूरा ग्राफ का हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना है मॉड एक्स, यानी कि आप एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इसको बस लेके चलो, जिसके हम जो एफ एक्स को क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं। अब मैं यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो आप खुद सोचो, एक्स इक्वल टू जीरो लगाओगे तो ये मॉड जीरो आएगा, और मॉड जीरो का मतलब जीरो पे जाके मैप हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ एक्स इक्वल टू वन लगाओगे तो बेटा वन पे ही जाके मैप हो जाएगा। अच्छा ये मॉड काम क्या करता है, मॉड क्या करता है एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप यहां पर जैसे माइनस वन पुट करते हैं तो ये क्या करेगा मुझे प्लस वन बना के मुझे वैल्यू दे देगा, मतलब माइनस को हटा देगा एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, माइनस साइन को हटा देगा ये। तो यहां पर अगर मैं माइनस वन पुट करूंगा तो ये वन पे जाके मैप होगा, ऐसे ही अगर यहाँ माइनस टू पुट करोगे, जैसे आपने यहाँ पर माइनस टू पुट किया तो ये टू पे जाके मैप हो जाएगा, ऐसे माइनस थ्री पुट करोगे तो माइनस थ्री पुट करने पर ये कहाँ जाके मैप हो जाएगा थ्री पे जाके मैप हो जाएगा, ठीक है।
जैसे टू पुट करने पर बेटा टू पे जाके मैप होगा, थ्री पुट करने पर थ्री पे जाके मैप होगा। तो इस टाइप से इसका ये टेबल बन गया। अब इसको क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेना है। तो कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया हमारे पास वन टू थ्री फोर, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, यहां वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर, सो ऑन आप लिख सकते हैं। तो जीरो पर कितना दे रहा है ये हमें, जीरो, और x इक्वल टू वन पर y इक्वल टू वन है तो वन कॉमा वन ये आ गया। देखो x इक्वल टू टू पर y इक्वल टू भी टू है तो टू कॉमा टू ये आ गया, और ऐसे ही थ्री कॉमा थ्री आपके पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन पर माइनस वन, माइनस टू पर माइनस टू, तो आपके पास सॉरी माइनस वन पर कितना है, प्लस वन है, माइनस वन नहीं है, माइनस वन पर प्लस वन है, x इक्वल टू माइनस वन बाई पर प्लस वन, x इक्वल टू माइनस टू बाई पर प्लस टू, माइनस टू और ये प्लस टू, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का ये इसका ग्राफ जाएगा। और ये जो पॉइंट होता है ये कौन सा पॉइंट है, ये देखो जीरो जो था वो क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो अपने क्रिटिकल पॉइंट से हमारा मॉडुलस का ग्राफ टर्न हो जाता है। ये देखो क्रिटिकल पॉइंट है और यहां से ग्राफ क्या हो गया, टर्न हो गया, ये बात आप नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देख रहे हो ये इसका ग्राफ हो गया। अब ये वाली जो ब्रांच है, इस ग्राफ की दो ब्रांच दिख रही होगी, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। तो देखो यहां पर ये जो ब्रांच है ये कौन सी वाली ब्रांच है, कैसे पहचानेंगे, तो यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर हमारी ये वाली ब्रांच हमें मिली है। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आपका यहां पर दिख रहा है ना, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो ब्रांच कौन सी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली, तो इसको आप लिख लेते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो पर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स, x is less than 0 पर fx is equal to कितना है, minus x है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये modulus function का graph बनेगा और ऐसे ये बेटा behave करेगा। आई होप ये समझ में आ गए होंगे थ्री फंक्शन। तो आज के लेक्चर में मैं केवल थ्री रेडीमेड फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूं और जो बचे हुए हैं वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो इन लेक्चर्स को बेटा जो मैं बना रहा हूं इनको बेटा बहुत अच्छे से आप देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, और हाँ नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग आपको फुल एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।